दोस्तों अचानक बैल आकर टक्कर मार दे और कुछ महीने के बाद हो जाती उस इंसान की मृत्यु। आज का ये हमारा विषय रहने वाला है, आखिर क्यों होता है ऐसा कि उस समय इंसान छोटी मोटी चोट के कारण कुछ दिन परेशान रहकर ठीक हो जाता है, परंतु हम 15 दिन या फिर महीने के बाद सुनते हैं कि उस इंसान की ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक या कोई अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है और क्या संकेत मिलता है उस टक्कर मारने से, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। आप लोगों के जीवन का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा और कुछ मैंने एक्सपीरियंस एकत्रित किया है, वो आज मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने दोस्तों अपने जीवन में अनगिनत ऐसी घटनाएँ सुनी हैं कि मेरे पास कोई पर्सन आया या फिर मेरा कोई रिलेटिव कि उनके किसी रिलेटिव को या उनके किसी पारिवारिक सदस्य को 15 दिन पहले किसी बैल ने अचानक टक्कर मारी। वो सैर पे थे या फिर बाइक पे थे, लेकिन उस समय उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई और फिर कुछ समय के बाद वो ठीक हो गए। लेकिन अचानक उनकी एक मंथ या फिर दो मंथ के बाद उन्होंने बताया कि ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट की ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक या फिर किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, इसका एक कारण है कि जब किसी इंसान को बैल अर्थात सांड, आज की भाषा में वैसे हिंदू धर्म के अनुसार नंदी महाराज की संज्ञा दी गई है कि अचानक आपको टक्कर मार दे, तो आपको एक संकेत डीपली समझ लेना चाहिए कि महाकाल की तरफ से आपका उनके पास जाने का बुलावा आ चुका है। और यदि आप इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप अल्पायु के दोष से अर्थात उस मृत्यु के घोर संकट से बच सकते हैं। यह संकेत आपको यही दर्शाता है कि यदि आप प्रयास कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, आपका प्रयास सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें गैप मिलता है 15 से 1 महीने का या फिर कई बार 1.5 से 2 महीने का भी मिल जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए जब यह घटना घट जाए जीवन में, क्योंकि दोस्तों इन तीन त्रिदेवों का और उन तीन सवारियों का हमारे जीवन में बड़ा अहम रोल है। आज हम एक सवारी एक देव के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, विष्णु जी हमारा पालन करते हैं और महाकाल जी संहार करता है, और उनकी सवारी कौन है? नंदी महाराज। अर्थात यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए कि अचानक आपके रिलेटिव या अपने मित्र, मैं तो कहता हूं यदि शत्रु को भी कोई सांड या बैल आकर टक्कर मार देता है, तो तुरंत उसको सच्चाई से अवगत कराइएगा और उनसे आग्रह कीजिएगा कि आप तुरंत महाकाल की शरण में चले जाइएगा। प्राणों के हर्ता भी वो हैं और बचा भी सकते हैं, क्योंकि जिसमें प्राण लेने की सामर्थ्य होती है अर्थात उसमें प्राणों को लौटाने की भी सामर्थ्य होती है। इसमें एक उदाहरण लिया जाए तो मार्कंडेय का, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी और आज उनको कई बार उन्होंने पृथ्वी को नष्ट होते देख चुके हैं और आज वो अमर हैं, अजर हैं और इस सृष्टि में विचरण करते हैं, तब आते हैं जब प्रलय होती है। तो ऐसी अवस्था में जब कोई बैल टक्कर मार दे तो कौन कौन से प्रयास करने चाहिए और इस संकेत को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत इस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि एक नंदी के द्वारा यदि आपको टक्कर मारी गई है तो अब आपको आलस में रहने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है और प्रभु का भजन करने की आवश्यकता है। तो तुरंत दोस्तों जब ये घटना घट जाती है तो महाकाल की शरण जाइएगा। हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार रुद्राभिषेक का उच्चारण करवाइएगा, मंदिर में रुद्राभिषेक करवाइएगा और महाकाल के ओम होम जूम सहा इस मंत्र का यथाशक्ति प्रतिदिन जाप कीजिएगा। प्रतिदिन महाकाल से कामना कीजिएगा कि प्रभु मेरी कुछ जिम्मेवारियां और मैं इस संसार में जीना चाहता हूं, मुझे प्राणों का दान दीजिएगा। उनके सामने एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ाइएगा, क्योंकि पिता के सामने इस अवस्था में गिड़गिड़ाना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं है, वो प्रभु आपके हैं, आप उनके हो, तो ऐसा करना संभव है, आप कर सकते हैं और आपको जीवन का अवैधान भी मिल सकता है यदि आप इस तरह का प्रयास करके महाकाल की शरण में आते हैं। प्रतिदिन उनसे कामना करते हैं कि प्रभु मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि जब एक संतान अपने पिता से कुछ मांगती है तो भाव श्रद्धा अच्छी होती है, तो पिता कभी उस संतान को निराश नहीं करते हैं। हो सके तो उज्जैन के महाकाल के दर्शन जरूर करने जाइए और ऐसे इंसान को प्रतिदिन 12 शिवलिंगों के दर्शन किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर घर में कोई ऐसे चित्र के माध्यम से जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप हों, उनके प्रतिदिन दर्शन कीजिएगा, गायों की सेवा कीजिएगा, नंदी से और गायों से क्षमा याचना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटनाएं हम लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि आजकल
कुछ लोगों की गलती के कारण गायें और नंदी सड़कों पर बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुके हैं और ऐसी घटनाएं हमें कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव में, अपने जानकारों में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी घटना किसी के भी जीवन में, मैं तो कहता हूं परमात्मा से कामना करता हूं कि प्रभु ना घटे, परंतु दोस्तों यदि ऐसी घटना आप लोगों के जीवन में, आपके अपने किसी जानकार के जीवन में घट जाती है तो इस विषय को डीपली लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा और उन्हें महाकाल की शरण में जाने के लिए आग्रह कीजिएगा, कामना कीजिएगा, खुद भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि प्रभु अब इनके पास जिम्मेवारियां हैं और वो जीना चाहते हैं तो उन्हें प्राणों का दान दे दीजिएगा। या फिर ऐसी अवस्था में यथाशक्ति महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन ऐसे इंसान को दुबड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि अल्पायु के दोष को ये उपाय शांत करता है, महाकाल जी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों ऐसी अवस्था में जब घटना घट जाए तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर विजय पाई है महाकाल की शरण में जाके। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप जानकारी शेयर कीजिएगा, यदि आपके किसी अपने के जीवन में घटना घटी है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियाँ हम आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे, ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिएगा। जय